नमस्कार दोस्तों, भारत के सभी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ उठाते थे, जिनको भी किस्त मिलती थी, उन सब के लिए बड़ी खुशखबरी है। 17वीं किस्त, अभी 16वीं किस्त फरवरी के 28 तारीख को जारी करी गई थी, डाली गई थी खाते में, यानी सभी किसानों के। जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी किसान भारतवर्ष के हैं, उन सबको जो राशि मिलती थी, वो राशि 17वीं किस्त जारी कर दी गई है। एनडीटीवी इंडिया का आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा है मोदी 3.0 सरकार का पहला फैसला, किसान सम्मान निधि योजना 17वीं किस्त जारी। दोस्तों अब भी 17वीं किस्त जारी कर दी गई है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखिए, सोमवार सुबह किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करने के संबंधित फाइल हस्ताक्षर किए। अभी यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं कि इससे पहले पीएम किसान योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों का चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले फरवरी की 28 तारीख को 16वीं किस्त के पैसे बैंक खातों में भेजे गए थे। अभी दोस्तों आपको बता दूं, जो पिछली किस्त थी वो फरवरी की 28 तारीख को सभी किसानों के खातों में पैसे भेजे गए थे, लेकिन अभी जो किस्त है उस किस्त की डेट क्या है, किस कौन सी तारीख को आपके अकाउंट में वो किस्त आएगी, मैं आपको बता दूँ। जो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी किसान लाभ उठाते हैं, उनकी 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में कभी भी किस्त आ सकती है, कभी वो तारीख मतलब फिक्स हो सकती है, तो आपके अकाउंट में कभी भी आ सकती है। आप अकाउंट को चेक कर सकते हैं, आपको मैसेज आएगा, आपको पता भी चल जाएगा। सभी भारतवर्ष के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 17वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं किस्त है वो जारी कर दी गई है। 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में कभी भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकती है। 20,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने फाइल जारी की है, मतलब सिग्नेचर की है कि 20,000 करोड़ रुपए किसानों को दिया जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो फिलहाल दोस्तों इतनी ही जानकारी, आप सबको ये जानकारी देनी थी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं किस्त है वो जारी कर दी गई है, अब आपके अकाउंट में वो आ जाएगी 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में कभी भी। तो दोस्तों छोटी सी जानकारी आप सबको शेयर करनी थी, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को शेयर कर दें जिनको भी जरूरत है, उन जरूरतमंद लोगों को। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैं आप सबको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूँ, आप सबको अपडेट करता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ सबके वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। बाय बाय, जय हिंद।